नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम सॉल्व करेंगे हिंदी कॉलेज लेक्चरर परीक्षा का प्रश्न पत्र, जो कि आरपीएससी द्वारा 23 सितंबर 2021 को आयोजित किया गया था। आशा करती हूँ कि आप सभी का बहुत ही अच्छा यह पेपर गया होगा। ऐसा इसलिए मैं आशा कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे एक बात बार बार कही थी कि दो चीज़ें आपको कर लेनी है। एक तो हिंदी साहित्य का इतिहास बाय शुक्ल की बुक जो हिंदी साहित्य के इतिहास की है वो आपको पढ़नी है, और दूसरी करनी है नेट परीक्षा के पुराने पेपर। अभी आपका पेपर मैंने देखा, ये लिखा, थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट में इसलिए हो गई क्योंकि मेरे पास पेपर उपलब्ध नहीं था, तो पेपर को लिखने में थोड़ा सा समय लग गया मुझे। लेकिन इसके जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो स्वयं मैंने पुस्तकों में से चेक करके और फिर आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो आप थोड़ा सा इस पे विश्वास कर सकते हैं कि यह सही उत्तर हैं इसके। अब बात करें तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि यह वीडियो जो है, यह आंसर की जो है वह आयोग द्वारा जारी उत्तर पुस्तिका नहीं है। 2 से 4 प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा परिवर्तित किए जा सकते हैं। परिवर्तित इसलिए किए जा सकते हैं क्योंकि जो प्रश्न शुक्ल की पुस्तक के आधार पर पूछे गए हैं उन सबको मैंने चेक कर लिया है, लेकिन जो 2-4 प्रश्न बाहर से आए हैं, अन्य पुस्तकों या लेखकों से आए हैं जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, वो मैं चेक नहीं कर पाई हूँ। आयोग द्वारा जब आंसर की आ जाएगी तो उसमें यदि किसी प्रश्न के उत्तर में चेंज होता है तो उस परिवर्तन को कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, तो आपको दोबारा पूरी आंसर की देखने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे प्लेलिस्ट में, मैं इसे लगा दूंगी। आरपीएससी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, जहाँ पर पुराने पेपर है उसी में इसे सेट कर दूंगी। उसी प्लेलिस्ट से आप फिर इसे चेक कर लीजिएगा कि आयोग द्वारा क्या किसी प्रश्न के उत्तर में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कोई भी आंसर की कहीं भी किसी भी परीक्षा की देखते समय ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि वो आयोग द्वारा निर्धारित है, या वह जो आंसर करवा रहे हैं या जो पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आपके कोचिंग सेंटर के सर या कोई भी, वो उनकी है। दोनों में अंतर होता है। ठीक है, आइए, काफ़ी सारी बातें हो गई, प्रमाण सहित मैं आपको अपनी बात यहाँ पर स्पष्ट करूँगी। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अब ये देखिए, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है। सारे प्रश्नों के तो नहीं चेक कराऊंगी, हिंदी रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है यह। इसमें देखिए, ये सूर सागर वाले प्रसंग में हाईलाइट करवाया हुआ था कि देखिए, सूर सागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का चाहे वो मौखिक रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2021 मैंने जगह जगह लिख दिया है क्योंकि इन प्रश्नों को स्वयं व्यक्ति स्तर पे चेक किया था। तीसरा, इसी पेज पर एक और देख लेते हैं, आगे काम आएगा कि इन कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को, कृष्ण भक्त कवियों ने क्या करा, श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इस पंक्ति को आगे आपको बताऊंगी, यही अब यहाँ से निकाल देते हैं इसको। तो कुल मिला के इस पुस्तक से आपका पूरा पेपर तैयार हुआ है। एक प्रश्न आपका यह भी आ रहा था, जिन विद्यार्थियों ने गहराई से पढ़ाई नहीं करी उनका प्रश्न शायद ही हो सकता है कि ये पेपर किस पुस्तक से बना, और जिन विद्यार्थियों ने शुक्ल के इतिहास को पढ़ा या मेरे चैनल पर वीडियोज देखे, क्योंकि मैंने बार बार आपसे यही कहा कि शुक्ल को पढ़े बिना असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट परीक्षा दो देने तो बिल्कुल जाना ही मत आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे यह लगता है कि पूर्व प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना प्रारंभ किया था। सरहपा विषयक यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन होना चाहिए, लेकिन इसका एक ऑप्शन राहुल संस्कृत्यायन भी हो सकता है, जो कि ऑप्शन में था। राहुल संस्कृत्यायन भी हो सकता है क्योंकि सिद्धों के ऊपर, सरहपा के ऊपर, बौद्ध सिद्धों के ऊपर उन्होंने शोध कार्य किया है। मेरे पास वर्तमान में ना तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है और ना ही राहुल जी की है, इसलिए मैंने इसे चेक नहीं किया है। पूर्व ज्ञान के आधार पर बता रही हूँ कि सुख प्रसाद द्विवेदी या राहुल संस्कृत्यायन, दो में से किसी एक का यह हो सकता है। अगले नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंद्रवाला रास किसकी है? आसगु कवि की है। उक्ति व्यक्ति पर प्रकरण दामोदर दास का है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। बसती है एक रचना स्थूली भद्र रास, जो कि इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ था, मैंने वो नहीं लिखा है। इसका सही उत्तर है जिन धर्म सूरी।
अर्थात स्थूली भद्रास जो रचना है वो जिन धर्म सूरी की है, जो ऑप्शन गलत था उसको यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। कारण ये है कि अब जबकि ये पेपर हो चुका है और आपको दो तीन दिन बाद मैं ये आंसर की दे रही हूँ, तो इस पेपर को आप आगे की परीक्षा के लिए मील का पत्थर मान के चलिए। मैं आपसे फिर दावा कर रही हूँ, फिर यहीं मिल जाऊंगी आपकी फर्स्ट ग्रेड में। ये पेपर आप रट के जाइएगा, क्योंकि इस पेपर में शुक्ल की क्रमबद्ध रूप से शुक्ल की बुक का शॉर्ट नोट आप इस पेपर को कह सकते हो। सारी चीजें वही आई हैं जो मैंने हाईलाइट करवाई। अब बहुत लोग ये कहेंगे नोट्स देते हैं आप, नोट्स देते हैं आपको, मैंने ऐसे कोई नोट्स तो नहीं दिए थे। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये मेरे नोट्स में से आया है, लेकिन वही आया है जो हमने पढ़ा, शुक्ल की बुक में से आया है और वही आया है जो मैंने हाईलाइट आपको करवाया था। आपसे कही थी कि ये हाईलाइट वाला एरिया या तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, अथवा आप ऐसा करें कि इस बुक को जब 2 से 3 बार देखें तो ये जो हाईलाइट मैं करवाती जा रही हूँ इन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो वही सब पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार असत्य कथन क्या है। अब ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये भले ही यहाँ पर शुक्ल के अनुसार नहीं हो, पर ये सारी रचनाएं शुक्ल की बुक में आपको आसानी से मिल जाएंगी। पहला देखते हैं, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां लिखी गई हैं। एज इट इज जायसी वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था, जहां जायसी का वर्णन शुक्ल ने लिखा है वहां पर ये लिखा हुआ है। दूसरी है, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन जानते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा की पूर्ण प्रौढ़ता मिलती है, यह भी हम जानते हैं। इसीलिए तो प्रेम परंपरा का पद्मावत सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है ना, सूफी प्रेम काव्य का, क्योंकि उसमें प्रौढ़ता मिलती है। उसके बाद भले ही कोई लिखा रहे, लेकिन सेट कर दिया है उसने एक स्तर, उसके बाद कोई क्या ही लिखेगा। आगे है, पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। नहीं भाई, पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर ये रचनाएं नहीं है, इनमें कल्पना का पूर्णता सहारा लिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये अब तक के जितने भी प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर बाकी सभी शुक्ल से हैं। और अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस पर भी चर्चा करेंगे वीडियो के मध्य में। अभी कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, मंजन कृत मधुमालती के विषय में असत्य कथन क्या है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, नहीं, ये पहला ही गलत है। जैसा कि मैंने कहा कि इन प्रेम काव्यों के जो नायक नायिका हैं, हो सकता है किसी राजवंश के राजकुमार राजकुमारी रहे हों, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं उनमें कल्पना का सहारा लिया गया है। ऑप्शन पढ़ के इसलिए नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आप लोगों के पास पेपर होगा, जिनके पास पेपर है वही लोग इसको देख रहे हैं। बाकी आगामी, यदि आज से आप कुछ साल बाद या महीने बाद इसे देखें तो आप ऑप्शन इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। हैंडराइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, आपका इतना लेंदी पेपर था कि इसे लिखने में क्या ही बताऊं। चलिए आगे बढ़ते, कबीरदास ऐसे ही मिलन बंधु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। तो यह मुझे शुक्ल की पुस्तक में तो नहीं मिला, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन हो सकता है, क्योंकि कबीरदास पे शोध कार्य किसने किया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल पर शोध कार्य किया उनका और कबीर के विषय में भी उन्होंने काफी कुछ किया, तो आप इस पे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो सकता है। लेकिन फाइनल उत्तर मैं आपको पिन तब करूंगी जब आयोग, अगर यही उत्तर है तो पिन करने की जरूरत नहीं है, अगर आयोग द्वारा जो परिवर्तन है वो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबद्ध असंगत तथ्य कौन सा है। हिंदी प्रेमाख्यान, पहला है, निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान हिंदी प्रधान अवधि भाषा में रचित है। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अवधि भाषा तो है लेकिन तत्सम शब्दावली वाली अवधि भाषा है ऐसा हम नहीं कह सकते, तो आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी प्रबंधात्मक है, हाँ, 2 श्रेणियों में मानव और मानवेतर बिल्कुल, और मूल भावना प्रेम है तो वो तो सभीों की है। आगे बढ़ते, कबीर जो कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, तो ये 2 पंक्तियां हैं जिनको आप स्थापना या तर्क वाले मान लीजिए, इसमें जो संगत असंगत कौन सी है वो छांटनी है, सही गलत छांटना है। तो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर तो कबीर कह ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने शास्त्रियों का अध्ययन किया ही नहीं था, उन्हें तो अपने जीवन से अनुभव लिया था, और हम सभी जानते हैं कि कबीर तो लगभग निरक्षर थे, तो शास्त्रीय ज्ञान वाली तो आपकी बिल्कुल ही गलत हो जाती है। दूसरा, उनकी युक्तियां बेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे। ये बहुत ही इजी प्रश्न था, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं शुक्ल की बुक से, ये भी मंजन वाला भी और ये जो हिंदी प्रेमाख्यान वाला कबीर वाला, ये सब कुछ शुक्ल की बुक में लिखा हुआ है और हमने हाईलाइट कर करके उस चीज को पढ़ा है। आगे वाला भी आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं,
असंगत कथन चाटना है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह नागरीदास हैं, बिल्कुल राजस्थान वाले तो बड़ी छड़ी पेंटिंग के बारे में जानते ही हैं सब, तो इसको इसमें तो कोई संशय आपको होना ही नहीं चाहिए। वो इन्हीं की उपपत्नी थी, ठीक है, जैसे बाजीराव मस्तानी की उपपत्नी कौन थी, मस्तानी थी, है ना। वैसे लीगली उनकी पत्नी तो कौन थी, काशीबाई, लेकिन मस्तानी कौन थी, उपपत्नी आप उसे कह सकते हैं। वैसे ही सावंत सिंह जी की उपपत्नी कौन थी, वो बड़ी ठणी वाली नायिका जिनका सुंदर सा चित्र होता है ना, बड़ी ठणी का मेरे पास भी अभी रखा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। गागरौन के राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी, बिल्कुल पीपा जी जो थे इन्होंने, ये राजा थे प्रताप सिंह, और इन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी। रामानंद के 12 शिष्य जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ कबीर है, पीपा है, रैदास है, इनका सबका नाम वहाँ पर दिया हुआ है। जम्बुनाथ जी ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, बिल्कुल गलत। राजस्थान जी के आपने तैयार किए तो भी आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे प्रश्न को, क्योंकि जम्बो जी का संप्रदाय कौन सा है, विष्णुई संप्रदाय है ना, जो पशु और पेड़ों के प्रति, है ना, पेड़ हिरण इन सब के प्रति अपनी अत्यधिक प्रेम को उन्होंने प्रदर्शित किया, इसको बहुत तरीके से पढ़ाया, तो इसको आराम से आप कर ले जाएंगे, इसमें कुछ कठिन नहीं था। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य का है, लिख लीजिएगा ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को आगामी परीक्षा के लिए यूजफुल बनाना है। जितने भी मिनट हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में दे रहे हैं, ये मानकर चलिए कि आप यदि जैसे कि बहुत से लोग सेकंड ग्रेड में जॉब कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेट करके डायरेक्ट दिए दिया है, तो यानी कि फर्स्ट ग्रेड का भी अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो फिर ये वहाँ भी काम आएंगे। तो ये प्रश्न पत्र को संभाल के रखिएगा, पेपर से पूर्व अध्ययन करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पत्र यह मुझे लगा, ठीक है। बाकी का ऑप्शन भी सही है, गलत जो ऑप्शन है ये वाला है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई बात आपके मन में हो तो फिर आप उसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है, चाहे कछु लेना हो सो ले लो, पूरा मैंने नहीं लिखा क्योंकि नेट के पुराने पेपर प्रैक्टिस सेट्स में इतना बार कर चुके, रट गया होगा। बिट्ठल नाथ बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने रचना नैपुण्य का वृद्धा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में फंसे हैं, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। पेज नंबर 107 पर मैंने आपको पढ़ाया था, तुलसीदास जी है, इसको शायद मैंने ढूंढ के रखा भी होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसे रख ली थी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों को यकीन ही नहीं होगा कि एक पुस्तक से पूरा पेपर बन सकता है ना, तो इसलिए फिर मैंने दिखाने के लिए, जो नए विद्यार्थी हैं ना उनको नहीं होगा, देखिए जो पुराने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो हो जाता है। अब ये तुलसीदास के प्रसंग में ये चीज़ आपको हाईलाइट करवाई हुई थी, यहाँ पर डाल दिया है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों के अंत में है, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल पूरा पेपर आपका शुक्ल की पुस्तक से बना है और आगे भी बनेगा। कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे, तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह, असत्य कथन कौन सा है चेक करते हैं अभी, असत्य कथन या स्थापना तर्क वाले कैसे भी मान लीजिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है, हाँ सॉरी ये स्थापना और तर्क वाला नहीं है, सत्य सत्य वाला ही है। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही स्थान, गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग सगुण या रहस्यवाद में प्राप्त है। दूसरा, निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो दूसरा वाला कथन तो 100% सही है, क्योंकि उद्धव आपका उद्धव वाला प्रसंग मैंने जब आपको पढ़ाया था, या सूरदास से संबंधित जब भी आप पढ़ेंगे उसी से ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी आपके। लेकिन पहला वाला जो है वैसे तो ये सही होना चाहिए, 99% ये राइट होना चाहिए, लेकिन देखिए 1% इसमें मुझे डाउट इसलिए है क्योंकि निर्गुण भक्ति की बात करें और सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को प्रधान माना गया है, लेकिन निर्गुण भक्ति में गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व दिया गया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे संगत नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कबीर का दोहा आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए, तो अपने गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व दिया, जबकि सगुण भक्ति में सर्वोपरि कौन होता है, जो आपका आराध्य है। तो इस तरीके से पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें हल्का सा डाउट मुझे लग रहा है, बाकी 99% तो ये दोनों ही सही है, पर मेरा मन कह रहा है कि अ वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, मूल गोसाई चरित किसकी रचना है, बेनी माधव दास की। राजस्थान से संबंधित कौन सा संत संप्रदाय नहीं है, तो निरंजनी, जसनाथी, लालदासी तो सभी हैं। अब बात करें बाबरी संप्रदाय की, तो ये यूपी से संबंधित है, तो ये नहीं है ऑप्शन में,
इसका सही उत्तर होगा बाबरी संप्रदाय नहीं है। भक्तमाल नावादास के टीकाकार कौन है? तो प्रिया दास ने 1645 में इसकी टीका लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, राम भक्ति धारा से संबंधित कौन नहीं है? तो गदाधर भट्ट हम सबने पढ़ा है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। तुलसीदास वाला जो आप प्रसंग पढ़ेंगे उसमें सारे प्रश्न आपको शुक्ल की बुक में ये मिल जाएंगे। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी, प्राणचंद चौहान है, हृदय राम का हनुमान नाटक, तो ये सारे तो तुलसीदास से ही संबंधित हैं, राम भक्ति धारा से ही संबंधित हैं। गदाधर भट्ट गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, ये बुक में हम पढ़ चुके हैं, नया कुछ भी नहीं पूछा, बहुत अच्छा पेपर मुझे लगा। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि आपका ये पेपर अच्छा हुआ हो तो। ज्ञान मार्गी कौन नहीं है? तो ध्रुवदास कृष्ण भक्त साहित्य के अंतर्गत ध्रुवदास हमने पढ़ा है, अष्टछाप के अतिरिक्त जो कवि हैं उनमें ध्रुवदास का वर्णन शुक्र की बुक में पढ़े आए हैं। तो सही उत्तर होगा ध्रुवदास, राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश राय जी। कबीर परिचय अनंतदास की है, ज्ञान समुद्र सुंदरदास का है, ज्ञान दीपक दरिया साहब का है, ज्ञान बोध रामानंद का नहीं है। ज्ञान बोध किसका है? मलुकदास का है। रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में काम आएंगे, या यूपी की आप तैयारी करो किसी भी स्टेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के बहुत ही अच्छे स्तर के प्रश्न है। संत दादू दयाल के शिष्य नहीं है पीपा, हम अभी पूर्व के ही इसी पेपर में ये दिया हुआ है कि पीपा रामानंद के शिष्य थे, तो यदि पीपा रामानंद के थे तो दादू दयाल के तो हो ही नहीं सकते। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष के पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, शुक्ल को लेकर। तो ये कथन किसका है? ये कथन किसका है भाई, आप लोग इसको बताइएगा, मुझे याद है कुछ। ये लीजिए मैं बता देती हूँ, आपको याद नहीं है मैं याद करवाती हूँ। रीतिकाल आपको पढ़ाया था, रीतिकाल का सामान्य परिचय जब शुक्ल की बुक में से पढ़ाया था तभी ये कह दिया था आपको कि ये वाली हाईलाइट करवा दी थी कि रीति ग्रंथों की अविरल अखंड परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष बाद यह चला, तो ये सारी चीजें बता दी थी। यहीं से एक और प्रश्न आपका पूछा कि हिंदी अलंकार ग्रंथ, देखिए ये पूछा हुआ है शायद, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का प्रारंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये अभी आपका जीआईसी प्रवक्ता वाले में पूछा था, और ये भी आपके आरपीएससी में पूछा है, काव्य विवेक, काव्य कल्पतरु और काव्य प्रकाश तीन ग्रंथ हैं इनके, चिंतामणि जी के, यह भी पूछा है। और यहीं से यह भी पूछा है कि भेद जो है इनके संस्कृत की पुस्तकों से लिए हैं इन्होंने उदाहरण और लक्षण, तो ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी पेपर में आपको मैं दिखा दूंगी, आगे देखते हैं। सही उत्तर हो गया शुक्ल, आगे बढ़ते हैं। रीति कविता राजा राज्यों और रईसों के आश्रय में पड़ी, बिल्कुल, उसकी अंतःप्रेरणा स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है, बिल्कुल। यदि आप रीतिकाल की परिस्थितियों से अवगत नहीं है तो आपको लगेगा कि बड़ा ही अश्लील और अनावश्यक सा वर्णन लिख के पटक दिया, इसमें क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, या नहीं समझ पाएंगे उसकी मूल भावनाओं को, जब तक आप रीतिकाल की उन परिस्थितियों को ना समझें कि करने के लिए कुछ था ही नहीं, मुगलों का शासन था और राजा बेचारे जो कुछ वीर थे वो तो दुनिया से चले गए, और जो विलासी थे जिन्होंने उनका आधिपत्य, उनके पास कुछ था ही नहीं कि सिवाय भोग विलास में डूबने के, है ना, भोग विलास में डूबने के अलावा बेचारों पे काम था नहीं, युद्ध तो लड़ने थे नहीं, बस यही कुछ करना था और यही कुछ करा, और उसी का वर्णन उनके दरबारियों ने किया। आगे बढ़ते हैं, देव और बिहारी गलत है, पहला ही ऑप्शन इसका गलत है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है सही है, कविवर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, यह भी सही है, बिहारी की बाघ विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की, यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर एक आपका गलत हो गया। 26वें नंबर का देखते हैं, ढेले सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगों ने कवित कर खेल करी जाने, शताधिक बार आपको प्रैक्टिस सेट्स में, नेट के पुराने पेपर में, शुक्ल की बुक में तीनों जगह पढ़ा चुकी हूँ। सही उत्तर है ठाकुर, विज्ञान गीता के रचयिता केशव दास। अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो अलंकार निरूपक ग्रंथ जो है वो कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि जी का, यह जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है, यह रस ग्रंथ है, अभी अभी आपको बताया था। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो वृत्त विचार जो मतिराम की रचना है ये पिंगल छंद निरूपक है, ठीक है। कौन सा रचना रस नायक नायिका भेद की नहीं है? तो पद्माभरण, ये जो रचना है ना ये अलंकार की रचना है, जो पद्माभरण रचना है ना आपकी, ये जो पद्माभरण जो, ये भगवान कितनी बार एक बात को बोलूंगी मैं, तो ये जो रचना है यह अलंकार की है, रस वाली नहीं है, पद्माकर जी की यह रचना है। जगत विनोद भी वैसे पद्माकर की ही है, पर ये
वो रस से संबंधित है और यह अलंकारों से संबंधित है, याद कर लीजिएगा। सर्वांग विवेचक आचार्य कौन से हैं? तोष, और तोष की रचना कौन सी है? सुधानिधि। तोष की रचना कौन सी है? सुधानिधि। आगे बढ़ जाते हैं, रीतिकाल के विषय में असत्य कथन कौन है, कौन सा है? इनको लिखने में सच्ची बता रही हूँ हाथ बहुत ज्यादा थक गया, इतने लेंदी प्रश्न इन्होंने पूछे हैं, लेकिन कॉलेज लेक्चरर की बात थी तो ऐसा ही आना चाहिए था और ऐसा ही पेपर आपका आया। रीतिकाल के विषय में असत्य कथन जो है, पहले उसको उत्तर को देखते हैं। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ, संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त हैं। जस्ट मैंने अभी एक सेकंड पहले ही आपको दिखाया कि पूर्णतया मुक्त की तो बात ही नहीं है, ठीक है। देखिए शुक्ल ने स्पष्ट लिख दिया, इसको हाईलाइट भी करवा दिया था पहले ही। भेद संस्कृत की पुस्तक, सभी कवियों ने सारे लक्षण और भेद संस्कृत की पुस्तकों से लेकर लिखे हैं। अपनी ओर से ना तो अलंकार क्षेत्र में मौलिक विवेचन किया और ना रस क्षेत्र में। अब ये तो मैंने कल लिखा है, लेकिन ये जो हाईलाइट है, ये जब आपको पढ़ाया था तभी करवा दिया था। छोटी से छोटी चीज हाईलाइट करवाइए और छोटी से छोटी चीज को आधार बना के पूछा है, तो प्लीज मुझे लगता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाना चाहिए। जिन्होंने भी मेरे साथ शुक्ल को पढ़ाया, नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, अगर चलिए आगे पढ़ लीजिएगा। आगे देते हैं, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानव व संसार को यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के वर्णन में अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। तो मिश्र बंधु विनोद से यह पंक्ति ली हुई है। मतिराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का यह भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। तो जगत विनोद के बारे में इन्होंने यह कहा है। अब देखिए पद्माभरण भी हो सकता है, जैसे कंठाहार की जगह मन में आता है ना कंठाहार, पद्माहार, उस तरीके का। लेकिन पद्माहार जो है, पद्माभरण जो है इनका, वो अलंकार निरूपक है और ये जो जगत विनोद है ये रस रूपक है। दोनों में अंतर है ना, तो ये जगत विनोद इसका सही उत्तर होगा। राम काव्य के विषय में असंगत क्या है कि कृष्ण काव्य प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है, ये बिल्कुल गलत है। इसको भी मैंने हाईलाइट करके रखा है, लेकिन शायद अब इस थोड़ा सा हमारा टाइम ज्यादा इसमें वेस्ट हो जाएगा चेक करने में, तो नहीं करवाऊंगी। आगे बढ़ जाते हैं, वैसे सभी जानते हैं कि तुलसीदास ने भी बाद में क्या किया था, लिखी थी ना भाई कृष्ण गीतावली, और बहुत सारे कवियों ने उस तरीके से वर्णन किया है। इसको रामकाव्य धारा में खूब अच्छे से हम पढ़े आए हैं, तो नहीं इस पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, केशव दास के विषय में असत्य कथन क्या है? तो जो पहला ही कथन है ना कि रामचंद्र का में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया, यही गलत है। और ये देखिए बहुत ज्यादा चीजें मैं क्लियर इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि शुक्ल की बुक में खूब व्याख्या करके इसको समझाया है। पहला कथन देखते ही गलत लग रहा है कि उन्होंने इन चीजों का ध्यान उन पे था ही नहीं, उनका ध्यान इन चीजों पे कभी था ही नहीं, उनका ध्यान सिर्फ अलंकार प्रदर्शन पे था। सभी रचनाएं भिखारी दास की है, काव्य निर्णय, रस सारांश और छंद वर्ण पिंगल, यह सभी रचनाएं किसकी है? भिखारी दास की। मतिराम से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, बिल्कुल। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, बिल्कुल सही है। रसराज के नायक नायिका अधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, तो यह वाला इसका ऑप्शन गलत है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और भेद हैं, यह भी सही है। तो तीसरा नंबर का आपका गलत हो सकता है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे जब आयोग की आंसर की आएगी तब। भूषण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है कि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, यह ही गलत है क्योंकि यह कैसी रचना है? मुक्तक रचना है, यह खंड काव्य तो हो सकते हैं, मुक्तक रचना है कह सकते हैं, प्रबंध काव्य तो बिल्कुल भी नहीं है। वीरस प्रधान कविता है, सोलंकी ने इनको भूषण की उपाधि दी थी। रीतिकार के रूप में ये अधिक सफल है ही नहीं क्योंकि इनका इन्होंने ऐसे कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखे थे, अलग ही इन वीरस को लेकर रचनाएं की थी। तो उस तरीके से ये सब चीजें सही है, गलत बस दो नंबर का है आपका कि ये प्रबंध ग्रंथ है, ये गलत है। देवकृत सुखसागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश ही समझना चाहिए, डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है। बिहारी सत से इसे ली हुई है और यह शुक्ल की बुक से ली हुई है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, बिल्कुल स्थापना है। और तर्क यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी, तो ये दोनों ही चीजें सही हैं। अब देखिए इसको भी दिखा देती हूँ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सब आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएगा, स्वयं देखिएगा। ठीक है आइए चेक करा देते हैं आपको। अब ये बिहारी ससई वाला तो ये किसकी टीका किसने लिखी, ये वाला है। इसी पन्ने से देखिए तीन प्रश्न उठाए हैं परीक्षक ने। पहला, जिस कवि की कल्पना की समाहार शक्ति भाषा की समाहार शक्ति जितनी भी होगी, ये वाला हो गया आपका, ठीक है।
और हाँ जी इसका एक और है, ये वाला दूसरे नंबर का देखिए, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये हो गया आरपीएससी के, और कल जो जीएससी वाला या जो यूपी वाला था उसमें पूछा था, कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं गुण के हिसाब से होता है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट कर दी, बाकी आप सब लोग इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, सभी के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रेम की, अच्छा एक छूट गया हमारा, 43वें नंबर का देखते हैं, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक कि स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में ग्रंथ लिखे जिनका आज कोई पता भी नहीं है कि वो ग्रंथ कहाँ गए, लेकिन रामचरितमानस हमारे घर में हमारे पूजा स्थल में विराजमान है। तो ये दोनों ही कथन स्थापना और तर्क वाले सही हैं, तुलसीदास के साहित्य के विषय में यह कहे गए हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द, इनके एक एक वाक्य में भरा जाता है आलम। प्रेम की पीर और इश्क का दर्द दोनों जब आपको शुक्ल की किताब में पढ़ा रही थी तभी स्पष्ट कर दिया था कि प्रेम की पीर पढ़कर घनानंद मत कर दीजिएगा, प्रेम की पीर आपको कन्फ्यूज करने के लिए आलम आलम का प्रश्न पूछेगा और दे देगा आपको घनानंद ऑप्शन में, ऑप्शन में घनानंद भी देगा लेकिन इश्क का दर्द, इश्क का दर्द आलम में है। चलिए, विरह का दर्द घनानंद में है, प्रेम के ऊपर घनानंद ने भी लिखा है आलम ने भी लिखा है, दोनों ने लिखा है, बट इसका सही उत्तर आलम है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है, ब्रजनाथ जी के द्वारा यह की गई है। अविदा उत्तम काव्य है मध्य रक्षणाहीन, अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, देवकृत देव कवि की है और देव कवि ने छल संचारी भाव का विकास किया था यूपी वाले में पूछा गया है, और ये वाली पंक्ति अपनी आरपीएससी वाले में पूछ ली। राम कहो चाहे कृष्ण कहो दोनों का मतलब एक है। ये किसी भी स्टेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, नेट दे रहे हो, नेट परीक्षा के पुराने पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के पुराने पेपर समान रूप से उपयोगी हैं, और शुक्ल आपके लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा। इस बुक को अवश्य पढ़िएगा। जय जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों को मिलता है, रीति काल में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि ये हुए हैं। देव के विषय में कहा है, एक पन्ना खोलिया परीक्षक ने और उसी में से दो तीन प्रश्न बना लिए, झंझट खत्म। आगे बढ़ते हैं। सेनापति के विषय में असंगत कौन सा है, कवित रत्नाकर इनका प्रसिद्ध है बिल्कुल, अप्रतिम सफलता ऋतु वर्णन है बिल्कुल, और श्लेष प्रिय अलंकार है बिल्कुल। अब जो गलत है वो है कि आद्यांत कवित रत्नाकर में आद्यांत रामचरित और राम भक्ति भावना से ओतप्रेत है, ये गलत है। ठीक है, इसके कई भाग हैं लेकिन सारे के सारे भाग, जैसे चार पांच भाग हैं, वो सभी के सभी राम को समर्पित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे के कवि रीज हैं तो कविताई नहीं तो राधिका सुमिरन को बहानु है, भिखारी दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। ठीक है, और ये सारी पंक्तियां रट गई हैं इसलिए मैंने लिखी नहीं है। प्रबंधात्मक रचना कौन सी है, तो हिम्मत बहादुर विरदावली यह एक प्रबंधात्मक रचना है। जगत विनोद तो हम बार बार पढ़ रहे हैं, कैसी है, रस की है। ठीक है, तो ये शिवा बामनी, ये भी लक्षण ग्रंथ या उस तरीके का है। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण काव्य के संबंध में असत्य क्या है कि इसकी सामान्य प्रकृति प्रबंधात्मक है, और अंत में कह रहा है गीति पदों में रचित है, दोनों में से एक हो सकता है, या तो प्रबंधात्मक हो सकती है या गीति हो सकती है, लेकिन गीत प्रसिद्ध है, गीत प्रसिद्ध है ना, प्रबंध ग्रंथ कौन सा आपको कृष्ण काव्य में मिलता है, कोई एकाद दो चार ही तो हैं, लेकिन प्रसिद्धि का आधार क्या है, गीति पद जो विभिन्न कवियों ने कृष्ण के प्रेम में गाए, लिखे, कीर्तन किया, कीर्तन प्रधान है, कीर्तन प्रधान का रहा ना ये, तो इनके प्रेम के उसमें झूमे हैं लोग, नाचे हैं, तो झूमने नाचने के लिए तो गीत चाहिए ना, तो ये प्रबंधात्मक वाला ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। असंगत युग में छांटना है प्रताप शाही वृदावली, सेनापति ने नहीं लिखी, ये शायद पद्माकर ने लिखी है। काव्य विवेक चिंतामणि का है, शिवा वामनी भूषण का है, वृत्त कौमुदी मतिराम का है। पूर्व में ये तीनों ही जो ये ग्रंथ हैं ये इसी पेपर में पूछे गए, तो प्रताप शाही वृदावली सेनापति जी की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य के विषय में असत्य कथन कौन सा है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है, बिल्कुल सही। प्राचीन परंपरा के अनुसार रस ये सब भी लिखा है, बिल्कुल सही। देशभक्ति लोकित यह भी सही। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्रधान रहा, बिल्कुल भी गलत। मैंने प्रैक्टिस सेट्स में भी बताया, शुक्ल की बुक में भी बताया, आज फिर बता देती हूँ,
के भले ही गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन जब बात काव्य की आई तो भारतेंदु के युग के कवियों की ब्रजभाषा ही प्रिय रही। खड़ी बोली को काव्य के रूप में द्विवेदी युग में महावीर वाली जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको काफी व्याख्या सहित बता रखी है उसमें उनको स्थान मिला। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, शुक्र की बुक से ही है। द्विवेदी युगीन काव्य धारा में असंगत क्या है? हास्य व्यंगपूर्ण कविता की प्रचुरता। यह गलत है, क्योंकि हास्य व्यंग कविता की प्रचुरता, व्यंग तो है, ठीक है, व्यंग तो आ गए, लेकिन हास्य वाला किसका था? प्रताप नारायण मिश्र वाला था ना, कौन सा प्रहसन लिखते थे, है ना, क्या घोड़े के लत्ता भी ने कनातन की डौल बांधे, भौं मुच्छ नाक, पता नहीं कैसे कैसे निबंध थे, है ना, समझदार की। तो वो सब एक प्रसंग जो भारतेंदु मंडल के कवियों में चला, द्विवेदी युग के विषय में इसको नहीं, क्योंकि द्विवेदी युग आदर्शवाद, नैतिकता, खड़ी बोली, मुक्त प्रबंध प्रवृत्ति इनके लिए, और इतिवृत्तात्मकता, एक और शब्द यहाँ छोड़ दिया है, इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं। हास्य व्यंग किसकी विशेषता है? भारतेंदु की। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग में अंग्रेजों का इतना कठोर वो था ना कि आप यदि उनके खिलाफ यदि लिखते ना तो आपको जेल में बंद कर देते, इसीलिए उन्होंने अपने व्यंग्य को लिखने के लिए, लोगों तक अपनी बात समझाने के लिए हास्य व्यंग का सहारा लिया। अंधेर नगरी याद है ना, आपके सिलेबस में था या नहीं मुझे नहीं पता, शायद था और मैंने बुक को पढ़ाया है, ये तो मुझे पता है कि चैनल पे बुक मैंने पढ़ाई है ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, हास्य व्यंग का सर्वश्रेष्ठ नमूना है वो, एक एक मतलब बहुत कम पैसे में, रुपयों में नहीं, पैसों में इस तरह की किताबें लोगों तक जागृति पहुंचाने के लिए भारतेंदु ने निकाली और उनके बाद में भी निकाली। तो बस कहने का तात्पर्य ये इसका गलत ऑप्शन है। मैथिली शरण गुप्त के विषय में गलत क्या है कि भारत भारती में आद्यांत भारत के गौरव का वर्णन है, यह गलत है, क्योंकि भारत भारती में भारत की दीन दशा के भी वर्णन है। हालांकि गौरव गाथा की गई है, लेकिन गौरव गाथा कैसी की गई है? लोगों को जागृत करने के लिए की गई है कि तुम ऐसे दीनहीन बने कैसे रह सकते हो, तुम तो ऐसे ऐसे प्रभावशाली भारतवर्ष की संतान हो, भारत माता की संतान हो, फिर विचार करने के लिए कहा गया है भारत भारती में। तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन गलत है ना। आगे देखते हैं, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध है, किसका है? उत्तर में भले ही ना लिखा हो लेकिन सभी जानते हैं नगेंद्र, क्योंकि पुराने पेपर से रिपीट है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतया लक्षण ग्रंथ लिखने के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है रीति ग्रंथ कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दुख सबको मांझता है, तो यह अज्ञेय की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पुराने पेपर में पढ़े आए तो ज्यादा बात नहीं करूंगी। वियोगी होगा पहला कभी आहा से उपजा होगा गान, किसने कहा है? पंत जी ने कहा, सुमित्रा नंदन पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि ने कहा है। दूसरी पंक्ति देखते हैं, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल, प्रसाद प्रसाद की कामायनी से, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उतल पुतल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। धन्य में पिता निरर्थकता, कुछ भी तेरे हित ना कर सका, सरोज स्मृति, हिंदी का प्रसिद्ध शोक गीत, निराला जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, निराला को ही पूछ लिया। निराला के विषय में असत्य क्या है? सरोज स्मृति श्रेष्ठ शोक गीत है, बिल्कुल। शक्ति पूजा पढ़ चुके हैं चैनल पे, पौरुष और ओज, बिल्कुल। अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचना, बिल्कुल सही है। अब बात करें तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, नहीं भाई, कथा तो सबको ही पता थी, तुलसीदास निराला कोई निराला सामान्य तो नहीं थे। यदि छायावादी कवियों में बात करूं तो निराला, और उधर बात करूं तो मुक्ति बोध, दोनों की प्रवृत्तियां ऐसा लगता है कि उन्हीं का पुनर्जन्म या लगभग लगभग भाई भाई हो, तो अलग तरीके के ये कवि हैं, इनका रचना शैली, इनका काव्य कौशल, सब कुछ बिल्कुल अलग तरीके का है। तो यहाँ पर उनको कथा नहीं सुनानी थी, कथा तो उन्होंने कभी सुनाई नहीं किसी की, चिंतन मुख है, कुकुरमुत्ता और गुलाब की कोई कथा थोड़ी ना सुनानी थी, तो चिंतन भावना मुक्त, तो ये जो प्रधान है उसमें चिंतन प्रधान है, कथा प्रधान नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानव और विकास का रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और शालग्य है, कामायनी की कथा सृष्टि के बारे में कथन स्वयं प्रसाद जी के, कामायनी की भूमिका आपको मैंने पढ़ाई थी, कुछ उसके पद भी कराए थे तब आपको ये लाइनें पढ़ के सुना दी थी, आशा करती हूँ सही गई होगी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया जाता है। जयशंकर प्रसाद, असंगत कथन छांटना है तो बुद्ध और नाचघर बच्चन का है, हिमकिरीटनी दिनकर जी की नहीं है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, और हिमकिरीटनी हिमतरंगणी इनमें से इनको पुरस्कृत किया गया है, माखनलाल चतुर्वेदी को इनके लिए पुरस्कृत किया गया है, तो ये भी हमने पढ़ी थी। और ना भी पढ़ी हो तो भैया यूपी के पुराने पेपर, नेट के पुराने पेपर, आप सब में ये प्रश्न भरा पड़ा है, तो इसको तो गलत कर नहीं सकते थे। और हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की, उन्हीं की, जो अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुना जिससे उथल पुथल मिच जाए,
ठीक है। दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी है? उर्वशी है, काव्य अध्यात्म की समस्या को लेकर है, सामधेनी है और रसवंती है। ये रश्मि रेखा नहीं है बल्कि ये क्या था, रश्मि रथी है ना, रश्मि रथी होता भैया, रश्मि रेखा रश्मि रथी। पेपर में प्रेशर के टाइम ये इतना भी ध्यान से पढ़ना बड़ी बात है, कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं। बाकी सामधेनी, रसवंती और उर्वशी उनकी रचनाएं थी। आगे बढ़ते हैं, वैदेही वनवास रचना है हरियोद की, पथिक रचना है राम नरेश त्रिपाठी की, द्वापर रचना है गुप्त की और राष्ट्रीय वीणा रचना है गया शुक्ल सनेही की। असंगत कथन छाटना है तो कुरुक्षेत्र में गांधीवादी अहिंसा का समर्थन किया गया नहीं बल्कि आपको तो युद्ध के लिए ललकारा जाता है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, दिनकर जी ने कोई अहिंसा की बात नहीं कही है, वो तो कहते हैं कि शस्त्र उठा लो, तो बस ये वाला आपका जो है गलत है, बाकी आपके सही हैं। प्रगतिवाद के विषय में वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और सुंदर में नए मानव नए की कल्पना इसका उद्देश्य था, सही है। और प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, तो बस दोनों ही कथन इसके स्थापना और तर्क वाले सही है। शिवमंगल सिंह सुमन प्रमुख प्रगतिशील कवि हैं, बिल्कुल सही है। प्रगतिशील कविता में पूंजीवाद और पूंजीवादियों के प्रति प्रबल आक्रोश, यह भी सही है। वर्ग संघर्ष को प्रगति कवियों ने हानिकारक माना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वर्ग संघर्ष तो उसकी विशेषता रही है, सर्वहारा के प्रति सहानुभूति तो है ही, लेकिन तीसरे नंबर का ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ तो उसको जो है उनकी प्रमुख विशेषता रही है। हानिकारक मानेंगे तो फिर विशेषता, तो फिर उनका पूरा प्रगतिवादी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो बस यही है। 70वें नंबर का देखते हैं, कौन सा अज्ञेय के विषय में असंगत है। इन्होंने छायावादी कविताओं से अपनी काव्य की प्रारंभ किया, इन्होंने तो काव्य का प्रारंभ छायावादी कविताओं से नहीं किया लेकिन छायावाद की झलक मिलती है इनकी कविताओं पर, प्रारंभ नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, धर्मवीर भारती के विषय में असंगत कौन सा है। अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। बाकी जैसा कि मैंने कहा, आप पूरा पढ़ना चाहें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो पूरा पढ़ना चाहें तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। वर्गीय चेतना या उसकी बात जहां भी होती है, वर्ग की बात होती है, प्रगतिवाद को टिका दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं मदनवास सेन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। काल तुझसे होड़ है मेरी शमशेर बहादुर सिंह, ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध पढ़ चुके हैं, युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन। उसके सिलेबस में है ये, नेट के में कविताएं आपने पढ़ी हैं तो भी याद होगा। इसी के साथ अब वाणी को यहाँ पर विश्राम देते हैं, आगे के प्रश्न में लिख लूँ। आपका आधा पेपर करवा दिया है मैंने, एक प्रश्न रिपीट हो गया था तो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी का आधा पेपर जल्दी से लिख के आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। प्रमाण सहित प्रस्तुत करने में और ढूंढ के प्रस्तुत करने में थोड़ा समय तो लगेगा और लिखने में उससे भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक अच्छी तरीके से मैं आपको करवा पाऊंगी। वीडियो को लाइक करना ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं बड़े बड़े गुरुजन और विद्वजनों के समक्ष। मेरा ये छोटा सा प्रयास आप आगे लाना चाहें तो वीडियो को लाइक करें, जो वीडियो लाइक होता है, लाइक जिस पे ज़्यादा होते हैं उसे ही यूट्यूब आगे सर्च में भेजता है, वरना तो अपना मेहनत बेकार जाएगी, अपना वीडियो सर्च में ही नहीं आएगा और ना यह लोगों तक पहुंच पाएगा। तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को भी शेयर कर दें और प्लीज़ 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 जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आप में से 2 लोग इसे देखेंगे या 2000 देखेंगे, पर जितने भी देखेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सॉरी, इस वाली बुक के साथ मुझे ये लगानी चाहिए थी क्योंकि इस पेपर का आधार एक्चुअली हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अच्छी बुक है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर मैंने देखे थे इसलिए वो रखी हुई है। बाकी इस प्रश्न का आधार तो आपकी यह है, इसको घोट के पी लीजिएगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। वैसे आशा करती हूँ कि आप सभी इसी में सफल हो जाएं, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं, ठीक है, बहुत से लोग पेपर देने ही नहीं गए, तो प्लीज़ फर्स्ट ग्रेड में हम फिर मिलेंगे और डेफिनेटली इसको पास करेंगे, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।